हमारे यहाँ वीडियोस अपलोड करने के लिए प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है। टिकटॉक ना सही, मौज एमएक्सटकटक जोश चिंगारी ही सही। इंस्टाग्राम रील्स भूल गई बोलना। अरे हाँ हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। रील्स कैसे भूल सकते हैं, ये तो बाप का रूप है इन सब एप्स का। जैसे जैसे नाम है ना इन एप्स के, एक दिन एक ऐप आएगा जिसका नाम होगा तबाही, क्योंकि लोग सारे प्लेटफॉर्म पे वही मचा रहे हैं। हर दूसरे इंसान को लगता है कि वो कंटेंट क्रिएटर है, चाहे उसके वीडियो थाराबाई जोगिंदर से इंस्पायर्ड क्यों ना हो। खैर, एक टाइम था जब यूट्यूब की इज्जत मार्केट में बहुत ज्यादा थी, ट्रेंडिंग पे भी उन्हीं की वीडियो जाती थी जो डैश घिस के मेहनत करते थे। और अब तो बस जितनी स्टूपिडिटी उतने व्यूज, उतने कमेंट, उतने शेयर। जी सही समझ रहे हैं आप, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स जहाँ इमोशनल वीडियो के नाम पे इतना रुलाया कि इमोशंस नहीं आत्महत्या कर ली, उससे उसकी बेइज्जती और नहीं देखी गई। यूट्यूब शॉर्ट्स जहाँ फनी वीडियो के नाम पे ये साउंड सुना दिया गया। YouTube शॉर्ट जहाँ मोटिवेशनल वीडियो के नाम पे गंदा, बहुत गंदा, इतना गंदा जितना तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारा नहीं काटा होगा, उतना गंदा डैश काटा गया। Well done. So, hey guys, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं हूँ देविका गुप्ता, और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बड़े मजे करते हैं, सही बता रहे हो। ओके, थैंक यू। यार कितनी बड़ी वीडियो है ये। इसको ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, इसको ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। ये वीडियो कुछ दिनों पहले ट्रेंडिंग पे थी और इस वीडियो पे 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। इनको जीती जागती लड़की नहीं दिख रही अपने पीछे। मेरी तरफ से कोई ने टीने का चश्मा पार्सल कर दो यार, क्योंकि ग्लास के चश्मे से भी नहीं दिखेगा इनको कि कहाँ गई छिपकली की औलाद। मेरे साथ साथ आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि ये पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रही, चिल्ला तो इतना रही है। क्या पता दोस्तों से गर्दन में मोच आ गई हो, हमें थोड़ा पॉजिटिव भी तो सोचना पड़ेगा ना। मयूर कहाँ है? अंदर वाले रूम में। यार मैं तुझसे इतने सालों बाद इतनी दूर से मिलने आया हूँ, उठकर गले भी नहीं मिलेगा। ओहो बहुत दूर से आया है भाई, गले तो लगना बनता है। भैया जब 2 साल पहले मैं रोड से जा रहा था तो अचानक मेरे सामने एक गाड़ी आ गई, पापा मुझे बचाने के चक्कर में खुद गाड़ी के सामने कूद गए, उसके बाद से पापा नहीं चल पाए। यही मौके का वेट कर रहा था मैं, अब तुझसे अपना बदला ले लूंगा, चिल्ला। पापा पापा बचाओ, पापा बचाओ प्लीज, पापा मुझे मार रहे, पापा प्लीज बचाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को हाथ लगाने की? सही बोला था डॉक्टर्स ने कि तुझे कोई चमत्कारी उठा सकता है, देखा आज तू अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने पैरों पर उठकर आ गया। वाह अप्रतिम, बहुत खूब, गर्दा पर्दा सब उड़ा दिए भैया जी आप तो। अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है गाइस, डॉक्टर्स को माफ कर दें आप लोग, उन्हें छुट्टी दे दें। इनके हिसाब से अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा है तो उसको डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, ट्रीटमेंट ना कराएं, आप चमत्कार का इंतजार करें। एक दिन चमत्कार होगा और वो इंसान ठीक हो जाएगा, और इस इंतजार में शायद फोटो पे हार भी चढ़ जाए। अबे सीरियल देख के आया है क्या ये लड़का जो इतनी भैगी भैगी वीडियो बना रहा है? एक वक्त था जब हमें कहानियां सुनने का बहुत शौक हुआ करता था, तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी हमें कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन आज अब कहानी का भी उपहास बनाया जाता है फनी वीडियो के नाम पे। एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर एक सुपरमार्केट में गए, वो वहाँ पर आसपास की चीजों को देख रहे थे कि इतनी ही देर में डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से वहाँ से कुछ चुरा लिया, और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बहार आए डॉक्टर ने इंजीनियर को कहा कि देखो मैंने वहाँ रखी 3 चॉकलेट चुरा भी ली और किसी को पता भी नहीं चला, देखो कितना स्मार्ट हूँ मैं। फिर इंजीनियर बोला इसे तुम चोरी कहते हो, अगर इसे कुछ अच्छा देखना तो मेरे साथ आओ। बस इसी काम के लिए तो दिन रात एक करके दोनों ने पढ़ाई की थी ताकि सुपरमार्केट में चोरी कर पाए। इनके जिंदगी का मकसद था कि पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेंगे, कैसे चोरी करके। पर दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं हुई, आगे देखो। ये दोनों वापस सुपरमार्केट जाते हैं, इंजीनियर कहता है मुझे एक चॉकलेट दो, शॉप बॉय दे देता है और इंजीनियर उसे खा लेता है, और ऐसे ही इंजीनियर 3 चॉकलेट खा के 3 चॉकलेट डॉक्टर की जेब से निकालता है और शॉप बॉय का कट जाता है। कितना फनी वीडियो था यार ये, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। कहाँ से लाते हैं ये ऐसी बकवास स्टोरी, और शॉप बॉय छिपकली वाली आंटी की तरह ही अंधा था लग रहा है, इसको बाकी 3 चॉकलेट के रैपर नहीं दिखे होंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस अगर आपको अपने दोस्त को फोन गिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, स्टोर पे जाओगे, नया फोन कर दोगे और अपने दोस्त को गिफ्ट कर दोगे, है ना? लेकिन हमारे यूट्यूब शॉर्ट के अनमोल रतन ये करेंगे। कब तक ये डब्बा फोन यूज करेगा, देख मुझे आईफोन यूज करता हूँ और तू अभी तक डब्बे में ही टिका हुआ है। यार घर की कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए मैं यही फोन यूज करता हूँ। ये पहले अपने दोस्त को जलील करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे,
फिर फोन लेके आएंगे और उसको देंगे और दोस्त रख भी लेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट गई भाड़ में। कैप्शन में लिखा है सच्ची दोस्ती। इसे बोलते हैं दिखावे की दोस्ती। 7 मिलियन से ज्यादा लाइक, सोचो व्यूज कितने होंगे। डियर पेरेंट्स, आपके बच्चे को उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं ऐसी वीडियोस बिगाड़ रही हैं। क्या मस्त इन्फ्लुएंस कर रहा है ये। अब तो नन्हे मुन्ने राही अपने दोस्तों को ऐसे ही तोहफा देंगे ह्यूमिलिएट करके। अरे तुम तो देख सकते हो, तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? मैं देखना चाहता था कि मेरी बनाई हुई दुनिया में क्या अभी भी इंसानियत है। अच्छा, मेरी बनाई हुई दुनिया। पहले मैं इस वीडियो पे कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी धार्मिक हो रही थी, लेकिन फिर ये वीडियो मैंने दूसरी बार देख ली। अरे तुम तो देख सकते हो, तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? देख तो आप भी सकते हो भैया, जब वो लड़की चोरी करके जा रही तब आपने कुछ भी नहीं बोला, मस्त नजारे देख रहे थे और लड़की के जाते ही एकदम से आप धानी बन गए। वाह भाई वाह। मैं देखना चाहता था कि मेरी बनाई हुई दुनिया में क्या अभी भी इंसानियत है। इंसानियत तो ऑब्वियसली जिंदा है और इतनी जिंदा है कि सोशल मीडिया तक ही सीमित है। सही बात है भाई, ये देख आज पार्टी के लिए पैसे मिले, जम के पार्टी करेंगे। यार कौन से दोस्त है जो अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं, वो भी ऐसे। इनकी वीडियो का रियलिटी से कोई नाता नहीं है। भाई एक ग्लास जूस देना। ठीक है भाई। बिछड़ के आज रो। भाई क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप आराम करो, आपका दिन का मैं समझता हूँ। यही तो इंसानियत है गाइज, आपके पास अपना कोई काम नहीं है, आप वेले हैं गाइज, तो आप जूस निकालने लगेंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आई अग्री, बट दुकान वाले भाई जी अगर बीमार है तो आप उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे गाइज, आप खुद ही उनका सारा काम करने लग जाओगे गाइज। और इसी प्रकार कल को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके सामने बीमार पड़ गया तो उसको भी हॉस्पिटल लेके नहीं जाना है गाइस, आपको उसकी कोडिंग खुद कर देनी है गाइस। ओके गाइस, क्योंकि आपको तो पैदाइश ही सब कुछ आता है अकॉर्डिंग टू इंसानियत गाइस। अबे तू गन्ने की दुकान पे काम कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ये दुकान मेरा नहीं, ये भाई का है। भैया आप भाई, शर्म तो तुझे आना चाहिए, ये दिन रात मेहनत करके पैसा जमा करते हैं और तेरे शौक पूरे करते हैं। गधा कहीं का, इसको पता ही नहीं है कि इसका भाई क्या करता है। कोई गैंगस्टर वैंगस्टर होता काम छुपाता समझ में भी आता, ये काम कोई छुपाने वाला थोड़े ही है। मार दलप्पड़ गन्ने, चल बैठ के काम कर, पार्टी करेगा घोड़ा की तरह, बड़ा हो गया घर वालों से पैसा लेके अयासी कर रहा है। वेल डन भाई, कुछ पैसे मेरे वहाँ के ऑपरेशन के लिए, तू जाके हॉस्पिटल में जमा कर दे। ठीक है भाई, पर तू भी चलना मेरे साथ। भाई मेरी मजबूरी समझ में नहीं आ सकता, मैं तुझे हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा मिलूंगा, तू जा जल्दी जमा करवा दे। भाई हो गए पैसे जमा, और तेरी माँ का ऑपरेशन भी हो गया, वो खतरे से बाहर है। ये माँ खतरे से बाहर है, शुक्र है। भाई मेरा एक काम और कर दे। क्या यार भाई, तू भी बार बार परेशान कर रही है, चल बता। मैं बता नहीं रहा, तो चल मेरे साथ। भाई वहाँ तेरे दोस्त की लाश पड़ी, तू उसको दफना का यार। अरे भाई क्या बात कर रहा है। भाई मैंने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए मेरी दोनों किडनी बेच दी, तू मेरी लाश को इज्जत से दफना दे। ओह शिट, इसने अपनी दोनों किडनी बेच के अपनी माँ की जान बचाई, और वो हॉस्पिटल वाले जिसने इसकी किडनी खरीदी, इसका ऑपरेशन किया, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। उन्होंने इसको वापस सारे कपड़े ठीक से पहना के, बेल्ट लगा के, बाल कोम करके सुनसान रास्ते पे फेंका है। हे भगवान, कितने निर्दयी हॉस्पिटल वाले होंगे वो। टू मच इमोशनल वीडियो यार, आंसू ही नहीं आ रहे, सूख गए हैं लगता है। ऐसा अगर किसी के साथ रियलिटी में हो जाए ना, तो बंदा वहीं सदमे से गिर जाए कि वो इतने देर से भूत से बात कर रहा था। पागल खाने जाने तक की नौबत आ जाए इंसान की। लेकिन इंसानियत के नाते गाइस, इसका दोस्त नॉर्मल रहेगा और वही करेगा जो उसके दोस्त ने उसको बोला करने के लिए। इमोशनल डैमेज। यार हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, क्या तू अच्छे कपड़े नहीं पहन के आ सकता था? मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े यही थे। कोई बात नहीं, अच्छा तू एक काम कर, तू ये पहन ले। हाँ माँ। अरे ये तो शर्ट की जैकेट है, तेरी हिम्मत कैसे इसको पहनने की? चले क्या हुआ? इस फटीचर ने ना तुम्हारी जैकेट पहनी हुई थी, इससे बोलो अपनी औकात में रहो। तुम अपनी औकात में रहो और अपनी जबान बंद रखो। अच्छा मैं अपना मुंह बंद रखूं, तुम इस फटीचर के लिए मुझे बोल रहे हो? जितना हक तुम्हारा है ना मुझ पर, इतना इसका भी है, समझी तुम? इसने तो तुम्हें आज तक कुछ नहीं बोला। ये क्या बोलेगा मुझे? क्यों नहीं बोलेगा, मैंने तुम्हें न्यू आईफोन दिलाया, यहाँ तक कि ये कपड़े भी मेरे पैसों के हैं, ये तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता। सही बोलते हैं लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही सब होते हैं, दोस्त तो कुछ होते ही नहीं है। ससुर ने गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाया, कपड़े दिलाए, जाने क्या क्या दिलाया, और अपने सगे पर्सनल दोस्त को जैकेट दे रहा है, वो भी पुरानी। ऐसे दोस्तों को तो चुल्लू भर पानी में खुद फेंक के मार देना चाहिए। और इस लड़की को 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, लग रहा है ओवर एक्टिंग करने के, शुरू से लेके एंड तक मैडम ने सुपर ओवर एक्टिंग करी है, पद्मश्री मिलना चाहिए इसी बात पे। अंकल जी एक भुट्टा बना। हाँ जी। कितना हुआ अंकल? 20 रुपए। लेकिन मेरे पास तो 100 रुपए है। सर यहीं कहीं रखा है, डाल दीजिए और चेंज ले लीजिए। अंकल एक भुट्टा लगा दो। हाँ। कितना हुआ? 20 रुपए। अंकल हाँ। लेकिन मेरे पास तो 500 का नोट है। यहीं कहीं गल्ला रखा है, उसमें से चेंज ले लो। अंकल मैंने छुट्टे ले लिए। ठीक है। वाह क्या सीन है,
इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि गाइस अगर आपके सामने कोई चोरी कर रहा है तो आपको उस चोर को नहीं पकड़ना है गाइस, आपको खुद दानी बन जाना है। और एक मिनट, अंकल देख नहीं सकते तो भुट्टा कैसे बना रहे हैं? ससुरा हर वीडियो में झोल रहता है इन लोगों की, क्योंकि इनको पता है लोग यहाँ पे है ही इमोशनल फुल, ऐसे ही बिना सेंस के वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, नीचे लिख देंगे इंसानियत और लोगों का काट देंगे। बेटा आपको पीना है चाय? ले लो। अरे वो चाचा 3 कट चाय दे दो। वो चाचा तो बेचारे बाहर चाय बेच रहे हैं, उन्हें कितनी ठंड लग रही होगी। हाँ यार 200 रुपए दो तो। बेटा 200 रुपए तो नहीं है, ये 500 रुपए रख लो आप। ये हमारी चाय के पैसे और बाकी के आप रख लो। क्यों बेटा इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? ठंड बहुत है ना, आप एक जैकेट ले लेना। जब हम घुटने भर के थे तब हमें 2 रुपए के लिए भी 4 थप्पड़ पहले खाना पड़ता था, और इस बालक को 200 रुपए चाहिए। ये 500 रुपए रख लो आप। खुशी खुशी दे भी दिए, लड़की गाड़ी से उतर भी गई, चाय वाले को पैसे भी दे दिए जैकेट खरीदने के लिए। वैसे ठंड में जैकेट के लिए पैसे दे दिए, गर्मियों में एसी भी दिला देना भाई, इंसानियत के नाते। इतनी इंसानियत तो वीडियो देख ली ना गाइस, क्या मन कर रहा है कि हैवानियत पे वीडियो देख लो। हैंगओवर हो गया मेरे को, इंसानियत में बुक लिख दूंगी अब मैं और खूब पैसा कमाऊंगी, पैसा ही पैसा होगा। अरे नहीं भाई, एकता कपूर और ऐसी वीडियोस बनाने वालों का बहुत सही चल रहा है यार, फ्लो में चल रही है इनकी लाइफ, अल्ट्रा प्रो मैक्स लो गई है। वो गांजा गांजा। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, इंसानियत के नाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।